अक्सर जब बात आती है बच्चों से जुड़े खाने पीने के सवालों की, तो अधिकतर माता पिता परेशान होते हैं कि या तो उनका बच्चा खाना खाता नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा जंक और बाहर का खाना खाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं हूँ शिवानी कंडवाल, डाइटिशियन और डायबिटीज एडुकेटर, और आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें आपको अपने बच्चे को देनी है उसकी बेहतर सेहत के लिए, क्या चीज़ें इम्यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प करेंगी, और क्या चीज़ें हैं जो आपके बच्चे की शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में भी मदद करेंगी। बच्चों की इम्यूनिटी वैसे भी बड़ों से कुछ कम होती है, इसलिए बच्चे जल्दी ही वायरस और फ्लू की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन आप उनके आहार में कुछ बदलाव करके उनकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी कोरोना वायरस आउटब्रेक के बाद बहुत सारे माता पिता परेशान हो गए हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए। तो पहले तो जानते हैं कौन से वो विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो पहला आपको ध्यान रखना है प्रोटीन का। प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है और बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी। तो कोशिश करें बच्चों की डाइट में दाल, हर तरह की दाल को ज़रूर इंक्लूड करें। इसके अलावा पनीर, दूध से बनी हुई सारी चीज़ें जैसे कि दही, पनीर, छाछ, इनको इंक्लूड करें उनकी डाइट में। इसके अलावा ग्रेन्स, और आप ध्यान रखें कि गेहूं के अलावा बाकी भी ग्रेन्स जैसे कि मिलेट्स, जौ, इन सब का सेवन बच्चों को ज़रूर करवाएं, जिसमें कि आप कोशिश कर सकते हैं कि उनको मूंग का दाल का चीला या बेसन की दाल का चीला डाइट में बनाकर दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है विटामिन सी। विटामिन सी हम जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है और हमने कोविड के दौरान लिया भी है, तो बच्चों को खट्टे फल ज़रूर खिलाएं। अब जैसे कि आम आने वाला है तो आम विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, तो आम आप उनकी डाइट में डाल सकते हैं, पपीता उनकी डाइट में डाल सकते हैं, खट्टे फल, पेपर्स जैसे कि हरी और पीली शिमला मिर्च होती है, वो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, तो इन सब चीज़ों को आप डाइट में डालें। तीसरा है जिंक। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए ही इम्यूनिटी बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। तो आप कोशिश करें कि सीड्स, डिफरेंट सीड्स जैसे कि पम्पकिन के बीज जो होते हैं या फिर चिया सीड्स, इन सब के सीड्स का आजकल मिक्सचर आ जाता है जिसको कि आप भून कर रखें और बच्चों के लिए दही के ऊपर या फिर थोड़ा सा उनकी रोटी के अंदर स्टफिंग करके उसको आप दे सकते हैं। चौथी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है प्रोबायोटिक। और बच्चों में ये बहुत देखा जाता है कि उनको पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो प्रोबायोटिक आपको बहुत मदद करेगा उस केस में। तो प्रोबायोटिक के लिए आप उन्हें रोज़ाना दही दें। अभी तो गर्मियां हैं तो आप उनको रायता बना के दे सकते हैं, लस्सी बना के दे सकते हैं, जो कि उन्हें बहुत मदद करेगा। इसके अलावा विटामिन ई बहुत मदद करता है, तो विटामिन ई के लिए एक हैंडफुल नट्स यानी कि मुट्ठी भर बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये मिला करके आप बच्चों को ज़रूर दें, क्योंकि अभी गर्मियों का समय है तो उन्हें भिगा करके पूरी रात और फिर सुबह उन्हें दें तो उनके लिए बहुत अच्छा। अब जानते हैं उन खाद्य पदार्थों के बारे में जो कि आपके बच्चे के लिए शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो इसमें पहला नाम हमेशा आता है अंडों का, क्योंकि जो अंडे होते हैं वो बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, उसमें बहुत सारे विटामिंस और मिनरल्स होते हैं जो कि आपके बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास के लिए भी बहुत मददगार होता है। अंडे प्रोटीन से भरे हुए होते हैं, उनमें विटामिन बी, विटामिन डी, ओमेगा 3, फॉलिक एसिड, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत लाभदायक होती हैं। दूसरी बात आती है बनाना की, यानी कि केले की। केला एक बहुत अच्छा फ्रूट है और बच्चों को तुरंत एनर्जी देने वाला फ्रूट है, क्योंकि उसमें फ्रक्टोज बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। इसके अलावा उसमें विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ए, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बायोटीन, फाइबर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे को शाम के टाइम या अगर वो दोपहर में कहीं जा रहा है तो उसको एक केला खिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी चीज़ इसमें आती है घी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा, घी बहुत लाभदायक है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और वो बच्चे की शारीरिक विकास के साथ साथ उसको मानसिक विकास में बहुत मदद करती है, क्योंकि उसमें DHA होता है और गुड फैट्स होते हैं जो कि ब्रेन फूड के भी कहा जाता है इन्हें, तो वो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रेंथन करने में मदद करता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में बहुत अच्छी अमाउंट में एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं ये, जैसे कि अंजीर, आलमंड्स, वॉलनट्स, ये सारे चीज़ें, और साथ ही इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और
गुड फैट्स होते हैं जो कि बच्चे के मानसिक विकास में भी मदद करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाए। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप हमेशा ध्यान रख सकते हैं। एक तो कोशिश कीजिए कि बच्चों को जो फ्रूट दे रहे हैं वो कुछ ऐसा फ्रूट दें जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे कि वाटरमेलन या मस्क मेलन। इसके अलावा आप उन्हें क्यूक्यूम्बर भी दे सकते हैं, यानी कि खीरा भी दे सकते हो, तो तरबूज, खरबूज, खीरा, ये आप बच्चों को ज़रूर दें। और इसके अलावा आप कोशिश करें कि घर में ही आम पन्ना, बेल का जूस, छाछ, इस तरह की चीज़ों को हमेशा तैयार रखें। नारियल पानी बच्चों को पिलाएं और लिक्विड्स का कंजम्पशन आप अपनी तरफ से बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये ना ही सिर्फ डिहाइड्रेशन कम करने में मदद करती हैं पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपके बच्चे तक पहुँचाती हैं। पिछले 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ बड़े ही नहीं छोटों पर भी बहुत असर पड़ा है। अगर आप करें बात बच्चों की, तो बच्चों से माता पिता सबसे ज़्यादा इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो सारा दिन फ़ोन और लैपटॉप पे लगे रहते थे और कुछ ना कुछ जंक या फिर बाहर से मंगाते रहते थे, और क्यों ना हो, क्योंकि बाहर जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ओवरवेट हो चुके हैं, यानी कि जिनका वज़न बहुत बढ़ चुका है। तो उसके लिए, उन बच्चों का वापस वज़न नॉर्मल रहे, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप ज़रूर ध्यान रखिए। उसमें पहला है कि उनको बहुत ज़्यादा तला हुआ या बाहर का आप ना ही नहीं दीजिए, रादर उसी तरह की चीज़ों को आप घर पर हेल्दी तरीके से बनाइए। जैसे कि अगर आप बात करें एक बर्गर की जो हम किसी बाहर स्टोर से मंगाते हैं, उससे बेहतर होगा कि आप घर पर बर्गर बनाएं जिसमें आप जो उसकी टिक्की है वो राजमा से बना सकते हैं, किसी दाल से बना सकते हैं, जो कि बहुत टेस्टी होती है और बच्चे को पसंद भी आएगी। दूसरी चीज़ है उनकी डाइट में फलों को इंक्लूड कराना। ये बहुत ज़रूरी है कि उनके डाइट में फ्रूट्स हों, और समर के फ्रूट्स इतने अच्छे होते हैं कि बच्चे बहुत खुश होकर खा लेते हैं, तो उनको डाइट में ज़रूर रखें। तीसरी चीज़ जो है, जो आप आटा इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा मैदा, या फिर अगर वो बहुत सिर्फ गेहूं का आटा है तो उसमें आप कोशिश करिए कि चना, इसके अलावा जौ और बाजरा मिला सकते हैं ताकि वो मोर फाइबर रिच एंड मोर न्यूट्रिशियस हो जाए। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे का वज़न कंट्रोल में आएगा और उनकी फिजिकल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब स्कूल भी शुरू हो चुका है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए एंड डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फिटनेस एंड लाइफस्टाइल से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हेल्थ।